हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं नीलम। आज हम बनाएंगे भिंडी आलू की सब्जी। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, बहुत ही कम मसालों में बनेगी ये सब्जी, लेकिन खाने में बहुत स्वादिष्ट रहेगी। तो चलिए देखते हैं झटपट से बनने वाली भिंडी की सब्जी कैसे बनाई जाती है। ये रेसिपी आप एक बार बनाकर देखिए तो आप इसके दीवाने हो जाएंगे। तो सबसे पहले मैंने भिंडी ली है, ये 200 ग्राम भिंडी है जिसको मैंने धोकर पोंछकर सुखाकर बारीक बारीक काट लिया है, गोल गोल। ये देखिए इस तरह की भिंडी है। भिंडी हमेशा पतली और मुलायम वाली चुनना चाहिए ताकि है ना इसमें बीजे कम निकले। ये देखिए जब आप इसको हाथ से तोड़ेंगे तो ये झट से टूट जाती है, इसका मतलब ये बहुत सॉफ्ट वाली भिंडी है और इसमें बीजे भी बहुत कम हैं। एक बड़े साइज़ का प्याज लिया है जिसको मैंने बारीक बारीक काट लिया है। एक मीडियम साइज़ का आलू है जिसको मैंने लंबा लंबा काटा है। तो इस तरह से आप सब्जियों को काट लीजिए। तो मैं आपको भिंडी काट कर बता देती हूँ किस तरह से कट करना है। सबसे पहले भिंडी के दोनों कॉर्नर को कट कर देंगे। देखिए इस तरह से इसको कट करना है और इसको बारीक बारीक अपने हिसाब से काट लीजिए। अगर आपको थोड़े बारीक अच्छे लगते हैं तो बारीक गोलाई में काट लीजिए, अगर आपको थोड़े मोटे अच्छे लगते हैं तो आप इसको थोड़ा मोटा भी काट सकते हैं। तो इस तरह से भिंडी हमारी तैयार हो गई है। तो आइए अब देखते हैं आगे का प्रोसेस क्या करना है। सबसे पहले मैं गैस ऑन करके कढ़ाई रख देती हूँ जिसमें हम डालेंगे ऑयल। तो सबसे पहले हम इसमें डाल रहे हैं 2.5 टेबल स्पून ऑयल। इसके बाद हम ऑयल को चेक करेंगे गरम हुआ कि नहीं हुआ। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे 1/2 छोटी चम्मच जीरा। इसके बाद में जब जीरा अच्छे से क्रैकल हो जाएगा तो हम इसमें प्याज डालेंगे। इसमें मैं लहसुन अदरक वगैरह कुछ डाल नहीं रही हूँ, आप चाहें तो डाल सकते हैं, पर भिंडी जितनी सिंपल रहती है उतनी ही इसकी टेस्टी सब्जी बनती है। तो इस तरह से प्याज डाल दीजिए और इसको गोल्डन ब्राउन होने तक प्याज को भूनना है हमें। तो ये देखिए प्याज को स्लो कर दीजिए गैस। एक चुटकी नमक डाल देंगे। नमक डालने से क्या होगा, ऑनियन की कुकिंग फास्ट हो जाएगी, जल्दी से ये गोल्डन ब्राउन भी हो जाएगा और जल्दी से सॉटे हो जाएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइए रेसिपी आपको कैसी लगी। वो बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएँ। इसके बाद मैंने आलू डाल दिए हैं। आलू डालकर हमें 1 मिनट तक इसको भूनना है ताकि आलू हमारे सॉफ्ट हो जाए, क्योंकि भिंडी बहुत जल्दी कुक हो जाती है, आलू नहीं होते हैं कुक। तो अगर आप भिंडी के साथ आलू डालेंगे तो आलू गलेंगे नहीं। इसके बाद देखिए इसको 1 से 1.5 मिनट हो गया है, आलू आधे सॉफ्ट हो चुके हैं। तो इस तरह से चला दीजिए इसको। गैस का फ्लेम स्लो रखिए नहीं तो हमारी सब्जी जल जाएगी। इसके बाद हम इसमें भिंडी डाल देंगे और इसको अब हम चलाएंगे। तो बिल्कुल खिली खिली भिंडी बनना चाहिए। अगर आप इसमें अगर आप इसको में कायदे से नहीं बनाएंगे तो फिर है ना ये बहुत स्टिकी हो जाती है भिंडी, इसलिए इसको भून भून कर बनाया जाता है ताकि है ना ये स्टिकी ना बने ज़्यादा। अब हम इसमें डालेंगे हल्दी। तो 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर डाला है मैंने, भिंडी क्योंकि 200 ग्राम है। इसके बाद धनिया डालेंगे, 1/2 छोटी चम्मच मैंने धनिया डाला है। इसके बाद ऐड करेंगे इसमें लाल मिर्च, 1/2 छोटी चम्मच लाल मिर्च डाली है, बहुत तीखी लाल मिर्च है क्योंकि हमने ग्रीन चिली नहीं डाली थी। और इसके बाद 1/4 टीस्पून इसमें गरम मसाला डाल देंगे। इसके बाद में हम इसमें टेस्ट के अनुसार अपने स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे और इसको अब हम चला देंगे। ये सब्जी स्लो पर ही कुक होगी। तो ये देखिए इसको इस तरह से चलाइए। मैं जैसा कि मैंने बोला थोड़ा भून भून कर बनाएंगे भिंडी को तो भिंडी स्टिकी नहीं बनती है। अब हम इसे ढक्कन से ढकेंगे और इसके बाद हम इसे 2 ढाई मिनट बाद खोलेंगे। तो देखिए और फिर हम इसे चला देंगे। तो आलू अभी गले नहीं हैं, चेक करते रहना है आलू गले हैं कि नहीं गले हैं। तो इसके बाद में हम इसे फिर वापस ढक्कन से ढकेंगे
और फिर हम इसे 2-3 मिनट बाद वापस खोलेंगे। पूरी सब्जी बनने में 7 से 8 मिनट लग जाते हैं। जब तक भिंडी अच्छे से कुक ना हो जाए, आलू तो हमारे आधे पहले ही गल चुके थे, फिर भी हमने उसे अच्छे से कुक कर लिए हैं। और फिर मैं इसको चला देती हूँ, आलू चेक कर लेती हूँ। देखिए अच्छी तरह से आलू गल चुके हैं। और इसको थोड़ा सा हमें कल्हार लेना है भिंडी को, एकदम खिली खिली भिंडी बनी है, पर मुझे ऐसा लगा कि शायद थोड़ा कसर रह गई है, तो मैंने एक बार सब्जी को वापस ढक दिया। अभी इस समय ये फाइनल तैयार हो गई है सब्जी। ये देखिए भिंडी भी गल चुकी है, आलू भी एकदम गल चुके हैं, सब्जी बनकर एकदम रेडी हो चुकी है। तो अब हम इसे पास से देखिए कितनी अच्छी बनी है, एकदम खिली खिली भिंडी है, बिल्कुल भी स्टिकी नहीं है, काफ़ी टेस्टी भिंडी बनी है। तो इसे अभी हम एक सर्विंग बाउल में निकाल लेते हैं। तो इसे मैं एक छोटी सी प्लेट में निकाल रही हूँ आपको दिखाने के लिए। आप इसे रोटी, पूरी, पराठा, दाल चावल किसी के भी साथ खा सकते हैं। सबके साथ खाने में ये बेहद स्वादिष्ट लगती है। तो पास से देखिए, तो एक बार मेरे कहने पर ये रेसिपी आप ज़रूर बनाकर देखिए, आपको बहुत पसंद आएगी। और अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तो कैसी लगी आपको रेसिपी? अब मैं आपसे मिलूँगी अपने नेक्स्ट वीडियो में अपनी एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू सो मच।